माय नेम इज सुनील कुमार श्रीवास्तव। मैं आज आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल बताने जा रहा हूँ। तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल में सब पहली स्टेप होती है सेटिंग ऑफ द लेवल। तो सिलेक्शन ऑफ, उसमें सबसे पहले आपको सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पोजीशन, तो पोजीशन देखनी होती है। तो ए सुटेबल पोजीशन इज सिलेक्टेड फॉर सेटिंग द लेवल। फ्रॉम दिस पोजीशन इट शुड बी पॉसिबल टू टेक ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी डिफिकल्टी। कोई भी सर्वे आपको करना है तो उस सर्वे ग्राउंड पे जाके, जहां भी आपको डंपी लेवल को फिक्स करना है, तो ऐसी जगह डंपी लेवल को फिक्स करेंगे जहां से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले सकें। वो पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड स्टेप में फिक्सिंग लेवल विद ट्राइपोड स्टैंड। अब ट्राइपोड स्टैंड इज प्लेस्ड एट द रिक्वायर्ड पोजीशन विद इट्स लेग वेल अपार्ट एंड प्रेस्ड फॉर्मली इन टू द ग्राउंड। होल्ड द इंस्ट्रूमेंट इन द राइट हैंड एंड टर्न अराउंड द लोअर पार्ट विद द लेफ्ट हैंड आफ्टर कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन द ट्राइपोड। ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर, ट्राइपोड स्टैंड ग्राउंड पे रखा हुआ है, ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर इसको रख के फिक्स कर देंगे सेकंड स्टेप में। अगेन एडजस्ट द लेग ऑफ द ट्राइपोड सो एज टू ब्रिंग द टेलीस्कोप टू ए कन्वीनियंट हाइट। अब उसको एक कन्वीनियंट हाइट पे अपने हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से फिक्स कर लेंगे। देन द थर्ड लेग इज मूव्ड, थर्ड लेग इज मूव्ड टू द लेफ्ट और राइट इन और आउट अंटिल द बबल इज कॉन्साइड विद इट्स इंडेक्स लाइन। अब आप देख रहे हो थर्ड लेग को मूव किया हुआ है थर्ड स्टेप में, जब तक कि ये इंडेक्स लाइन जो बनी हुई है, बबल ट्यूब, ये बबल ट्यूब देख रहे हो आप, इस बबल ट्यूब में ये जो इंडेक्स लाइन बनी है यहां पे ना आ जाए, मतलब बीच सेंटर, बबल सेंटर में ना आ जाए ट्राइपोड लेग की मदद से। तो वहां पे अपन जब ये सेंटर में आ जाएगा तो इसको फिक्स कर देंगे। क्लियर। अब लेवलिंग अप। द लेवलिंग इज डन फॉर द पर्पस टू मेक द वर्टिकल एक्सिस हॉरिजेंटल। इस हॉरिजेंटल वर्टिकल एक्सिस को, ये जो वर्टिकल एक्सिस आप देख रहे हो ये वाली, ये वर्टिकल एक्सिस को ट्रूली वर्टिकल करने के लिए लेवल किया जाता है फुट स्क्रू से। तो थ्री फुट स्क्रू लेवलिंग हेड। फर्स्टली द टेलीस्कोप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द टू स्क्रूज, पैरेलल टू द टू स्क्रू। ये देखो आप चित्र में, यहां पे ये दो स्क्रू के पैरेलल फुट स्क्रू को किया हुआ है। फर्स्टली द टेलीस्कोप इज प्लेस्ड पैरेलल टू द टू स्क्रू एंड कीप द बबल इन द सेंटर बाय टर्निंग दिस स्क्रू इनवर्ड आउटवर्ड। इन दो फुट स्क्रू को घुमा के इसको आप सेंटर में लाना है। द टेलीस्कोप इज टर्न थ्रू 90 डिग्री। अब ये टेलीस्कोप ऊपर देख रहे हो, ये 90 डिग्री टर्न किया हुआ है सो दैट इट लाइज ओवर द थर्ड स्क्रू। अब ये थर्ड स्क्रू के ऊपर इसकी पोजीशन आ गई ये टेलीस्कोप की। बाय टर्निंग थर्ड स्क्रू द बबल इज सेंटर्ड। अब तीसरे स्क्रू को अकेले इसको घुमाएंगे और इस बबल को सेंटर में कर लेंगे। द प्रोसीजर इज कैरिड आउट अंटिल द बबल रिमेन इन सेंटर फॉर बोथ द पोजीशन विच आर एट राइट एंगल टू अदर। अब इस प्रोसेस को जब तक रिपीट करेंगे जब तक कि इस टेलीस्कोप को आप घुमाते रहो, तो ये बबल सेंटर में ही रहना चाहिए, तब तक आप इस प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे कि एक बार दो फुट स्क्रू के पैरेलल किया और बाद में उसको राइट एंगल पोजीशन में लाके फिर सेट किया, तब इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। अब एलिमिनेशन ऑफ पैरेलेक्स की बारी आती है। तो व्हेन द इमेज फॉर्मेट बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर
देन पैरेलल्स इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग. अपन इस आईपीस में देख के इसको इस आईपीस में देख के इस इमेज को देख लेंगे कि क्लियर है कि नहीं है. तो सबसे पहले आईपीस एडजस्ट करेंगे तो उसमें ये जो क्रॉस हेयर वो आपको क्लियर दिखना चाहिए. टू फोकस द आईपीस कीप ए वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वाइट पेपर इस ऑब्जेक्टिव के सामने रख देंगे एंड मूव द आईपीस इन आर आउट. ये आईपीस पे एक स्क्रू लगा होता है उसको घुमाएंगे. इन आर आउट टिल द क्रॉस हेयर आर सीन शार्प एंड डिस्टिंक्ट. जब तक कि ये क्रॉस हेयर जो दिख रहा है, जो ये इस टेलीस्कोप के अंदर रहता है, ये आपको क्लियर ना दिखने लग जाए तब तक इस आईपीस के स्क्रू को घुमाएंगे. अब आती है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव. द टेलीस्कोप इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्टाफ. अब टेलीस्कोप को जहाँ स्टाफ स्टेशन पे स्टाफ लेके व्यक्ति खड़ा है उसकी तरफ डायरेक्ट करेंगे. एंड फोकसिंग स्क्रू इज टर्न टिल द इमेज अपीयर क्लियर एंड शार्प. अब ये फोकसिंग स्क्रू देख रहे हैं, इसको आप घुमाएंगे तो आपको ये जो लेवलिंग स्टाफ की इमेज है वो आपको क्लियर दिखनी चाहिए. ये इस तरह से आपका ये इंस्ट्रूमेंट रीडिंग लेने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि आपको इमेज क्लियर दिख रही है, ये वायर क्लियर दिख रहा है और ये पूरा वर्टिकली लेवल है और सेंटर है. तो ये इस टाइप से ये रीडिंग लेने के लिए रेडी हो जाता है. इस तरह से यहाँ से अपन फिर उसके बाद सर्वे चालू करते हैं. ठीक है, ये अब मैं आपको ये आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया है वो मैं आपको लिखा हुआ नोट्स के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के अच्छी तरह समझ पाए. ये पहला पेज है. ये आपका दूसरा पेज है. थर्ड पेज है. ये आपका लास्ट पेज. ये नोट्स में इसलिए दे रहा हूं कि आप स्टूडेंट के रूप में जब देखते हैं तो आपको पूरा उनको नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो नोट्स इस पे से बना सकते हैं और मैं समझा चुका हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.